सर हमारे यहाँ पे सारे प्रीमियम फोन्स में डील्स करते हैं जी, सारे, जैसे कि आईफोन हो गए, फोल्ड हो गए, हिंज हो गए, फ्लैप फ्लिप फोन हो गए, सारे फोन के ग्लास रिपेयर होते हैं, हिंज रिपेयर होते हैं जी, फ्रंट ग्लास रिपेयर होते हैं, बैक ग्लास रिपेयर होते हैं, बॉडी हाउसिंग वगैरह चेंज करते हैं। ये देखिए, ये फ्लिप 3 है। अच्छा, इसमें अगर आप इसको चार्जिंग पे यूज करेंगे तो ये ऑन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा, ये चार्जिंग पे यूज करेंगे या इसको आधा रखेंगे तो ही ये यूज होगा, तभी इसका डिस्प्ले आएगा, अदरवाइज इसका डिस्प्ले नहीं आएगा। जी जी, ठीक है, ये ऑन हुआ। ये हमारे पास हाउसिंग आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में। अच्छा, 2500, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में जी। ये एक आईपैड है जी, ये आईपैड का टच चेंज करना है, ये एयर 2 मॉडल है। आईपैड का जो है पूरे मार्केट में कोई फिनिशिंग के साथ काम नहीं करता है। अगर कोई बनाता भी है तो या तो बबल आएंगे, या तो फिटिंग ऊपर नीचे रहेगी, या तो बैकलाइट में कुछ हो गया। ये आईपैड का भी हमारे यहाँ काम होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है नागपुर का निशान। दोस्तों आज मैं आया हूँ नागपुर के जरीपटका मार्केट में, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐसी शॉप का बताना चाहता हूँ जिसे आशु मोबाइल केयर के नाम से यहाँ पर जो है जाना जाता है। और दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो है हमारी जरीपटका की सबसे बेस्ट जो है मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्मार्टफोन और आईफोन को यहाँ पर जो है रिपेयर किया जाता है। फुल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको जो है मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी आप देख सकते हैं हमारे जो है शॉप के ऑनर आशु जी यहाँ पर हैं, जो कि अपने बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी देना चाहते हैं। तो सर बताइए आपके शॉप के बारे में। हेलो गाइस, मैं आशु मोबाइल केयर, आशु मोबाइल केयर का ओनर। हमारी शॉप यहाँ पे 8 साल से है पिछले। हम टोटली मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करते हैं यहाँ पे। हम टोटली प्रीमियम में डील करते हैं, प्रीमियम फोन जो कहीं नहीं बनते हैं, जो कोई लोकल जो दुकानदार रहते हैं उनको हाथ नहीं लगाते, हम वो फोन में डील करते हैं जी। जैसे कि बड़े हो गए, वन प्लस हो गया, आईफोन हो गए, सैमसंग हो गए, एज हो गए, आईफोन में जैसे कि बैक ग्लास होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ क्या क्या काम होता है। जैसे कि ये देखिए, ये एज मॉडल के ग्लास है जी, ये है 1+10 Pro। अच्छा, जैसे कि आपका ग्लास डिस्प्ले टूटता है, ऊपर का ग्लास डैमेज होता है, तो ग्लास पूरे मार्केट में कोई फिनिशिंग के साथ प्रॉपर चेंज नहीं करता। करते भी होंगे कोई तो प्रॉपर कोई नहीं करता जी। यहाँ पे आपको गारंटी के साथ हमारी रिस्क पे, अगर आपके डिस्प्ले खराब होता है तो हमारी डिस्प्ले हम आपको रिपेयर करके देंगे जी। आपसे सिर्फ ग्लास के पैसे लेंगे, डिस्प्ले के पैसे नहीं लेंगे हम। अच्छा, हम सिर्फ ग्लास के पैसे लेंगे जी। बाकी की डिटेल आप ग्लास का जो भी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 1+10 Pro है, ऐसे बहुत सारे काफी सारे मॉडल है। अच्छा, 1+7 Pro, पूरे स्मार्टफोन और आईफोन के सारे 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 प्रीमियम फोन। अच्छा, स्मार्टफोन मतलब बेसिक फोन हमें डील करते हैं जी। सारे सारे स्मार्टफोन, सारे जो प्रीमियम फोन थे उनमें डील करते हैं। जैसे कि 9 Pro हो गया, ये कुछ फोल्ड की ग्लासेस हैं, ये देखिए फोल्ड 1। अच्छा, फोल्ड 1 जब से आया हुआ, ये फोल्ड वन का ग्लास है, सिर्फ ग्लास। LCDs भी मिल जाएगी हमारे पास, पर हम सिर्फ अभी ग्लास कवर करें तो ग्लास दिखा देंगे। फोल्ड 2, ये फोल्ड 4, सिर्फ सिंगल ग्लास चेंज होगा ऊपर का। आपको इसमें कुछ भी LCD पे कुछ नहीं कराना है, सिर्फ ग्लास चेंज करना है, ग्लास चेंज का खर्चा देना है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईफोन की भी, आईफोन की जो ग्लास होते हैं ना, फ्रंट और बैक ग्लास। अभी आपको फ्रंट ग्लास दिखाता हूँ, ये देखिए ये 12 है। 11 तो मैं आपको कवर नहीं कर सकता, 11 तो हमारे पास बल्क है, ये 12 है। ये 12 का सिर्फ ग्लास चेंज होगा, सिर्फ 2500 रुपये में, सिर्फ 2500 रुपये, 2500 रुपये जी। ये 12 कंपनी में तो पहली बात तो ग्लास चेंज करते नहीं है। अच्छा, कंपनी में सीधा डिस्प्ले चेंज करते हैं, और डिस्प्ले जो हम, जैसे ये 12 का डिस्प्ले है हमारे पास, ये हम 12 का डिस्प्ले आपको लगा के देंगे सिर्फ और सिर्फ 9500 रुपये में, ओरिजिनल जेन्युइन ओरिजिनल, ठीक है। और आप सर्विस सेंटर अगर जाते हैं तो इसी पार्ट की कीमत डबल हो जाएगी। अच्छा, 18 से 20 हजार रुपए, ठीक है। और दूसरी बात,
ये 13 है, ये 13 का ग्लास, ये सिर्फ 3,500 से 4,000 रुपए में चेंज होगा। अच्छा, आपके डैमेज कितना है? अगर ज्यादा डैमेज होगा तो ज्यादा पैसे लगेंगे, कम डैमेज होगा तो कम पैसे लगेंगे। ये 13 हो गया, ठीक है। ये 13 की स्क्रीन भी है हमारे पास, ये 13 की स्क्रीन भी है हमारे पास। अच्छा, इसका कैसे का प्राइस रहेगा? तो इसका प्राइस 13 का प्राइस है 12,500 जी। ओके, ये 13, ये 14 प्रो, ये 14 प्रो का ग्लास जी। अभी तक नागपुर में किसी ने भी चेंज नहीं किया होगा ये 14 प्रो का ग्लास। हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं। अच्छा, और ये आपके पास अवेलेबल भी है एक तरह से? अवेलेबल भी है हमारे पास, ये अभी नेक्स्ट स्टॉक आया हुआ है, ये पहले तो खत्म हो गया जो आया। ये 14 प्रो का जेन्युइन ओरिजिनल ग्लास है जी। ये आपको चेंज कराने के बाद पता भी नहीं चलेगा, अगर आप कहीं बेचने जाते हैं फोन या कहीं दिखाने जाते हैं तो कोई बोल नहीं सकता कि ये चेंज है। अच्छा, और एकदम लो कॉस्ट में, एकदम लो कॉस्ट जी जी, जो मैंने आपको रेट दिया 12 का 13 का, एकदम लो कॉस्ट, इतना चीप रेट में कोई काम नहीं करेगा, और काम भी फिनिशिंग के साथ होगा। हम टोटली जो काम करते हैं, हम होलसेल जो दुकानदारों का काम है हम उनका करते हैं जी जी, टोटली दुकानदारों का काम करते हैं, जो सेकेंड हैंड का काम करते हैं, जो डेली बल्क में काम लाते हैं उनका काम करते हैं जी। हमारे यहाँ वॉच के भी ग्लासेस होते हैं, जो आईफोन जो एप्पल ओरिजिनल वॉच रहती है सिर्फ उनके, सिर्फ उनके, ना सैमसंग ना वन प्लस, किसी भी वॉच का नहीं, सिर्फ आईफोन की वॉच। ये ओरिजिनल ग्लास है उसका। ये हमारे पास अभी वॉच बहुत सारी है पर दिखा नहीं सकते क्योंकि सब बन के पड़ी हुई है जी। ये वॉच का ग्लास है, ये सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये में चालू होता है। अगर आप उसकी स्क्रीन लेने जाएंगे तो 10,000 प्लस की आती है। अच्छा, 9,500-10,000 रुपये की स्क्रीन आती है, ये सिर्फ 2,500 रुपये में आप कोई भी वॉच लाएँ। अच्छा, वो कोई भी वॉच लाएं सीरीज 2 से लेके सीरीज 8 तक, कोई भी ग्लास लाएं हम आपको 2,500 रुपए में रिपेयर कर देंगे जी जी, और जेन्युइन एकदम फिनिशिंग के साथ, और पार्ट भी जेन्युइन है। ये आप देख सकते हैं, ये फिनिशिंग देख सकते हैं आप इसकी। अच्छा, ये एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आएगी, कहीं गैप नहीं आएगी, कहीं कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि चेंज है जी जी। ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मिलेगा आपको। हमारे पास वॉच की एलसीडीज भी रहती है, अगर आपका कोई ब्रोकन होती है एलसीडी वगैरह तो हम एलसीडी भी आपको बता देंगे क्या रेट है जी। ये देखिए, अभी तो काफ़ी हॉट सेलिंग है, हॉट सेलिंग एकदम, काफ़ी हॉट सेलिंग। ये आईफोन की बैटरी बैकअप नहीं मिलते। अच्छा, तो ये सिर्फ ऐसा है, ये 13 प्रो है, ये सिर्फ सेल है आपको। वैसे आप बैटरी चेंज कराते हैं तो आपको मैसेज आता है बैटरी चेंज, ये अननोन पार्ट करके लिख के आते हैं। ये हम सेल चेंज करेंगे, आपका बैटरी हेल्थ अगर 70 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, जो भी हो गया, हम आपको 100 करके देंगे। ये चेंज करने के बाद आपकी बैटरी हेल्थ 100 हो जाएगी। अच्छा, और आपको परफॉर्मेंस जो मिल रहा था पहले डे वन पे, वैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, ये बैटरी, ये हमारे पास सारे सेल्स अवेलेबल है। अच्छा, अभी 14 सीरीज का नहीं है बट 13 प्रो मैक्स तक हमारे पास सारे सीरीज सारे अवेलेबल है। अभी तक 14 प्रो में तो अभी तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं है जी जी, बट ये 13 प्रो मैक्स, ये 12 प्रो मैक्स है, ये 11 प्रो मैक्स है, ये 13 प्रो मैक्स है, ये 13 है। अच्छा, प्राइस वगैरह, ये इसके प्राइस हर मॉडल के अलग है, अलग आते हैं। तो मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है अपने पास? मिनिमम 11 का जो है वो 11 का 1800 से 2000। अच्छा, यानी बैटरी चेंज का उसमें आ जाएगा। हाँ, एक्सेस हो गया, एक्सेस से चालू हो गया ये एरर का एक पीछे। एक्सेस 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, एक्सेस, एक्सआर और 11 जी, 1800 से 2000 तक होता है, ठीक है। ओके, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं आईफोन की हाउसिंग है, ये 11 जी, मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ। हमारे पास बल्क है। अच्छा, हमारे पास बहुत सारा है, मैं तेरे को कलर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 3 कलर ही सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो आते हैं सेकेंड हैंड वालों के फ़ोन, तो ये 3 कलर जो है ना सबसे ज़्यादा फास्ट दिखने वाला है जी जी। ये वाइट हो गया, और ये पिस्ता कलर हो गया, और ये पर्पल कलर हो गया। ये हमारे पास हाउसिंग आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये में। अच्छा, 2,500 सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये में जी। ये 11 हो गया, ये 12। अच्छा, ये 12 की जो है ये फोन से निकली हुई हाउसिंग है। अच्छा, एकदम फ्रेश फोन से निकली हुई हाउसिंग है, देख सकते हैं आप। स्पीकर नेट लगी हुई है यहाँ पे, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, जो वायरलेस चार्जिंग में जो मैग्नेट एकदम से काम करता है ना जी, ये मैग्नेट है। ये हर एक चीज आपकी प्रॉपर काम करेगी, आपको हाउसिंग सारे मॉडल की आपको मिलेगी, सारे मॉडल की 13 प्रो मैक्स तक। ये देखिए, ये फ्लिप 3 है। अच्छा, इसमें अगर आप इसको चार्जिंग पे यूज करेंगे तो ये ऑन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा, ये चार्जिंग पे यूज करेंगे या इसको आधा रखेंगे तो ही ये यूज होगा, तभी इसका डिस्प्ले आएगा, अदरवाइज इसका डिस्प्ले नहीं आएगा जी जी। ठीक है, ये ऑन हुआ, ये अपन इसको चार्जिंग पे चालू करेंगे तो ही ये ऑन होगा। अच्छा,
इसमें प्रॉब्लम रहता है ये फ्लिप इसका स्ट्रिप का। अच्छा, स्ट्रिप का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करके दे सकते हैं ये फ्लिप। जैसे ये स्टार्ट हो चुका है। हाँ, ये फ्रंट इसमें चार्जिंग दिखा रहा है। अच्छा, इसको ऑन करेंगे जैसे ही चार्जिंग से निकालेंगे बंद हो गया। बंद हो गया, बराबर। ये चार्जिंग पे ही ऑन रहेगा, या इसको चार्जिंग पे दो घंटे यूज करेंगे तो वर्किंग रहेगा ये। जैसे ही चार्जिंग से निकालेंगे बंद हो जाएगा। और इसमें एक और फॉल्ट है, ये देखिए इसका हिंज इतना ही खुल रहा है। अच्छा, फुल ओपन नहीं हो रहा है वो। हाँ, ये इतना ही खुल रहा है, ये भी रिपेयर होता है। हिंज फ्लिप हो गए, फोल्ड हो गए, फ्लिप वन से लेके फ्लिप फोर तक, फोल्ड वन से लेके फोल्ड फोर तक। अच्छा, सारे मॉडल रिपेयर होते हैं, हिंज और फ्लेक्स। ये हमारे पास सारे मॉडल्स के अवेलेबल है। ये इसके अलग अलग मॉडल, अलग अलग रेट है। मैं आपको रेट इसका नहीं बता सकता, बट ये जब पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल एक एक मॉडल का। जी, ये फ्लिप, ठीक है, ये फ्लिप के फ्लेक्स है। अच्छा, ये फ्लिप, ये फोल्ड थ्री, फोल्ड टू, ये सारे मॉडल्स के हमारे पास अवेलेबल है। फोल्ड के जितने भी मॉडल है सब आपके पास फ्लेक्स है। ये सिर्फ फ्लेक्स है। अच्छा, ये फ्लेक्स चेंज होता है, किसी में साउंड की इशू आती है। जी जी, जैसे फ्लिप थ्री में काफी ज्यादा फॉल्ट है, साउंड का इशू आता है, मेन डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। स्पीकर वर्क नहीं करता है तो वो ये फ्लैक्स चेंज करने से हो जाता है। ये जब बेल्ट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसका। ये एक आईपैड है जी, ये आईपैड का टच चेंज करना है। ये एयर टू मॉडल है। ये आईपैड का जो है पूरे मार्केट में कोई फिनिशिंग के साथ काम नहीं करता है। अगर कोई बनाता भी है तो या तो बबल आएंगे, या तो फिटिंग ऊपर नीचे रहेगी, या तो बैकलाइट में कुछ हो गया। ये आईपैड का भी हमारे यहाँ काम होता है। आईपैड की हम सारे मॉडल्स के काम करते हैं, चाहे वो एयर हो, फेस आईडी वाला हो, चाहे कोई भी मॉडल रहे। आईपैड और टैब जी हम प्रॉपर वर्क करते हैं, तो प्रॉपर एकदम फिनिशिंग के साथ। ये आईफोन के बैक ग्लासेस हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग मॉडल है 13। ये 13 का वाइट, ये इसका ब्लू प्रॉपर कलर है ब्लू। ये QR कोड वाला माल है ओरिजिनल। ये QR कोड है पीछे, ये ओरिजिनल जेन्युइन है। ये बैक ग्लास 13 का, 13 में रेड कलर है, पूरे कलर यहाँ पर मिल रहा है, जेन्युइन रेड। और ये QR कोड के साथ जी, ये QR कोड, ये सिर्फ बैक ग्लासेस हैं। अच्छा, अगर आपका बॉडी का सिर्फ बैक ग्लास, पीछे से सिर्फ बैक ग्लास डैमेज होता है, जैसे कि जो ग्लास है ये सिर्फ ग्लास डैमेज होगा तो आपका ग्लास चेंज होगा, आपको हाउसिंग चेंज करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं लगेगी, सिर्फ ग्लास से ही काम हो जाएगा आपका। ये हो गया 13। ये 99 से चालू हो जाता है, ट्रिपल नाइन से चालू हो जाता है। ट्रिपल नाइन से आईफोन एक्स है, वो ट्रिपल नाइन से होता है। अच्छा, एक्स है, एक्सएस है, XR है, ये 999 से चालू होते हैं। अच्छा, ये 13 और भी बड़े मॉडल हैं, जैसे 14 प्रो मैक्स है, ये 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल है, ये 14 प्रो, ये 13 प्रो मैक्स। जी, ऐसा बोल सकते हैं सभी ऐप पर अवेलेबल है, सारे सारे अप टू डेट मॉडल, सारे मॉडल हैं हमारे पास, सारे ए टू जेड सारे मॉडल। साथ ही साथ आपको वन प्लस के भी बैक ग्लास मिलेंगे हमारे पास। अच्छा, ये वन प्लस 80 देखिए, ये सिर्फ 999 से चलो, ये वन प्लस 80, ये वन प्लस 8 प्रो, ये वन प्लस 8 प्रो जी, ये वन प्लस 9 प्रो, ये वन प्लस 9 प्रो, ये 9R, ये देखिए फिनिशिंग देखिए आप इसकी, प्योर मैट, एकदम मैट ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल जैसा पूरा दिखाई दे रहा है। ये ओरिजिनल बोल के आता है बट ये ओरिजिनल नहीं रहता है, बट ये ओरिजिनल को फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल जेन्युइन है, लुकिंग वैसा ही रहेगा पूरा। अगर आप इसको सर्विस सेंटर ले जाते तो सर्विस सेंटर वाला भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये कॉपी है। अच्छा, क्योंकि इसकी पैकिंग देखिए आप, ये कैमरा ग्लास के साथ है, ठीक है, पूरे क्रोम के साथ है। उसके बाद में इसकी पैकिंग देखिए, ये देखिए आईफोन 11 की LCD, आईफोन 11 की आप मार्केट से LCD अगर चेंज करवाते हैं तो LCD में एरर आता है। फोन में आपको लिख के आएगा कि ये अननोन पार्ट। ये हमारे पास जो है ये IC रहती है, ये टच की, ठीक है। अच्छा, ये टच की IC है, ये डायरेक्ट अपन IC लगाएंगे यहाँ पे, आपके ओरिजिनल जेन्युइन फोन के निकाल के, डैमेज जो डिस्प्ले है आपका उसका निकाल के इसमें लगाएंगे तो आपका एरर हट जाएगा। अच्छा, डिस्प्ले का एरर नहीं आएगा, ये ओरिजिनल है। ये सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये का है, 4,500, सिर्फ 4,500 रुपये का डिस्प्ले, इसमें एरर भी नहीं आएगा आपको। जी, वैसे फोन में एरर आता है, डिस्प्ले का एरर भी नहीं आएगा। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर हमारा लैब, ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा लैब जी। यहाँ पे हम सारे प्रकार के एकदम अपडेट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जी। ये जो मशीन है, ये मशीन, इसमें सारे
एज तक के मॉडल सारे बनते हैं इसमें। अच्छा। बिना बबल बिना किसी प्रॉब्लम के जी, ये सारे यहाँ पे रिपेयर होते हैं। ये देखिए ये हमारे भैया टैप बना रहे हैं, टैप का ग्लास बना रहे हैं जी। यहाँ हार्डवेयर भी होता है, ये पूरा हार्डवेयर का सेक्शन है जी, हार्डवेयर का सेक्शन है जी। ये यहाँ पे टोटली बड़े फोन, जैसे ये देखिए ये अटक रहा है, ये फ्लिप अच्छा फोल्ड यहाँ तक खुल रहा है, इसका मेन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये सब रिपेयर हो रहा है। हाँ, ये फ्लेक्स का प्रॉब्लम है इसमें, ये भी रिपेयर हो जाएगा जी। ये फ्लेक्स का प्रॉब्लम है, जो फ्रंट डिस्प्ले नहीं आ रहा है और ये इतना खुल रहा है, ये 12 प्रो ये भी अभी बन रहा है। हाँ, इसका सिर्फ सिर्फ बैक ग्लास चेंज होगा। अच्छा, ये देखिए 13 mm डैमेज, डिस्प्ले डैमेज है और बॉडी डैमेज है। अच्छा, ये इसकी बॉडी नहीं है, बॉडी अभी तक ये ग्रीन कलर की अवेलेबल नहीं है, इसलिए रुका हुआ है ये जी। डिस्प्ले इसका अवेलेबल है, डिस्प्ले आके पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी के चक्कर में रुका हुआ है बस। देखिए ये सर एक कोई नहीं करता मार्केट में जो काम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ देखिए आईफोन 12 है। अच्छा, आईफोन 12 था, ओके। ये 12 अगर आपका कहीं से टच वर्क नहीं कर रहा है जी जी, आप दूसरा टच चेंज करेंगे तो आपको एरर का मैसेज आएगा। ये है विदाउट आईसी टच। अच्छा, इसमें आईसी अपन पुराने जो ओरिजिनल है वो जेन्युइन वो लगाएंगे। अच्छा, तो आपका एरर नहीं आएगा। अच्छा, और टच भी वर्किंग हो जाएगा। ये टच है 12 का जी जी, मैंने आपको इससे पहले ग्लास दिखाया था, ये टच है, ये 12 है, वैसा ही सेम 11 में है, ये 11 का टच। ऐसे वैसे तो सारे मॉडल है हमारे पास जी जी। अच्छा, ये पूरे यानी रखे हुए हैं पर पूरा सारे हैं, ये अभी स्टॉक और आने वाला है जी जी। स्टॉक अभी जो एक दो दिन में और आ जाएगा स्टॉक, नेक्स्ट वीडियो में मैं होप करता हूँ कि सारा आपको पूरा स्टॉक दिखा सकूंगा जी जी। ये हमारा इस महीने का काम है इतना, ये बॉडी। अच्छा, इतने सारे सब बनने पे आए। हाँ, ये बॉडी हमने चेंज कर चुके हैं। ये देखिए ये जो माल है ना, अच्छा, जो स्टॉक है ये सेकंड हैंड वाले लेके आते हैं, जैसे ये कैशिफाई, अच्छा, डॉक्टर फोन, इधर से आते हैं ये सारे। ये सारे फोनों की बॉडियाँ चेंज की हुई है, ये 13 प्रो मैक्स जी, ग्रीन कलर, जैसे सारे फोन की बॉडियाँ। हाँ, ये इस मंथ का है जी जी, सिर्फ इस मंथ का काम है ये। ये हर महीने लगभग हमारे यहाँ बॉडी के कम से कम 200 पीस रिपेयर होते हैं, कम से कम 200 फोन। सो गाइस, देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ सेकंड हैंड मोबाइल भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि आईफोन और स्मार्टफोन अलग अलग आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सर है, तो सर बताइए कैसे क्या काम है। मैं आशुम वर्क ऐप से बात कर रहा हूँ जी जी। हमारे यहाँ पे सभी प्रकार के सेकंड हैंड फोन अवेलेबल है, हम खाली दुकानदारों से लेते हैं और बल्क में माल अपन दिल्ली से मंगाते हैं जी जी, ठीक है, और अपन दुकानदारों को ही सेल कर देते हैं। अच्छा। अभी इतना माल अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि दुकानों में सेल हो गया, पर नेक्स्ट टाइम आप वीडियो बनाएंगे अपन आपको पूरा ऑल स्टॉक दिखाएंगे, ठीक है भैया, थैंक यू। ये हमारी शॉप, ये शॉप आती है आपको जरीपटका चावला चौक पे, चावला चौक रेमंड शोरूम के ऑपोजिट में, नियर जनता हॉस्पिटल, जनता हॉस्पिटल के बाजू वाली लाइन में हमारी शॉप है, और रेमंड शोरूम के ऑपोजिट में आशु मोबाइल केयर नाम से हमारी शॉप है। सो गाइस, इनका जो एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर आप जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस, फाइनली यहां पर अपना जो वीडियो यहां पर मैं खत्म करता हूं। आपका इसका ब्लॉग कैसे लगा इस बार मुझे कमेंट करके जो बताना, साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। नागपुर के ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनते रहेंगे जो कि मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।